थले डोर के बगीचे थे, वो दरवाजे के दोनों पासे भाई डोर के बगीचे थे, बोला दरवाजे के दोनों पासे देखे डोर के बगीचे थे, और क्यारियां में दास दाम मखमली गलीचे थे, भाई गुरुजी और सहन थी आगे फैसल ऊंचे नीचे थे, सब दिनों के गमले धरे हरे भरे सींचे थे, देखे बिलन दरवाजा बाई और सब्जी मंडी आई, ओ दरवाजे के भीतर बाई और सब्जी मंडी आई, और दरवाजे के भीतर बाई और सब्जी मंडी आई, और जाने हाथ मेवा मंडी रे अगसी नाज की पाई, और अगसी लुहार खाती तेली तो भी सके नाई, एक गली में मोती करते रे काम जो कमाल काई, ओ धरे घोड़ा के ओ का बाजार ओले आगे सीना होटल परे परचून सेठों का बाजार, भाई आगे सीना होटल और परचून सेठों का बाजार, भाई आगे सी भी साथी इस है आगे सी जोरी सुनार, भाई सोप चोप तरह सरफ होगा ये सरक सुत रही चार, हीरे पन्ने लाल कड़ी मनी बन गया साहूकार, रखे सौदागर फिरे 300 साल आगे मुनाफा करे देखे बजाजू के सो बटे बाजार सब कपड़े का काम, बजाजू के जो बटे बाजार सब कपड़े का काम, अरे बजाजू के सो बटे बाजार सब कपड़े का काम, उन्हीं सूती रेशम सही कपड़ा सो सही तमाम, मैं बर्तन वालों के बाजार चौपटे में घूम धाम, और जोड़ के पिस्तौल रहते सारे शस्त्र सरे आम, घूमते घंटे देसी की बढ़िया पकवान, ओले आगे सी मिठाई दूध देसी की बढ़िया पकवान, भाई आगे सी मिठाई दूध देसी की बढ़िया पकवान, और जो पटे घंटा घर हुआ और की सोई दुकान, और सपने आला ठाठ देखा सके दात के मैं आगे जान, सतगुरु गम अमीर मेरे रे ब्रह्म ज्ञानी गुण के खान, ओ हम नहीं किसे अब उसी सेठ की दुकान पर जाता है जहां उसे मिठाई खाई फिर पानी पिया था, अब उस सेठ से पानी मांगता है गाड़ी दास्तान बढ़ता है। हाँ सेठ जी सलाम अलैकुम। हाँ भाई वालेकुम सलाम, देसी का माल देसी का माल। सेठ जी। हाँ भाई आपका नाम मनसामन है? हाँ जी मैं भाई मनसामन सेठ। पोजीशन नहीं देखता है मेरा, तो लिबास नहीं दिखा। तो सेठ जी बात तो सुन, क्या बताओ कर क्या मिठाई का बताओ, सुते सुते आ जाएगा भाई 35 रुपए किलो, 35 रुपए किलो निर्वाह दुनिया में नहीं, 35 रुपए देसी का माल, 10 रुपए 5 रुपए 5 रुपए भाई इनका माल बिक रही जिससे सस्ता करेगा मेरा, तो भाई 35 रुपए सेल का दिखा चुकर देखे मेरी बात टूट रहे सेठ जी, लड़ो मत हम तेरे ग्राहक बनकर आए हैं, मेरा ग्राहक दुकान इसका मिठाई का, और मिठाई खाऊंगा नाश्ते के लिए, हमारा शायद मेरा ही ग्राहक बन गया, मेरी बात सुन मैं एक सौदागर हूँ, अच्छा मेरे शहर में 2 महीने ठहरूंगा, नाश्ता तेरी दुकान से किया करूंगा। अच्छा ना किसे क्या करेगा, तेरा क्या मतलब है, हमारे साथ भाव ठीक मुका ले, अब भाव का क्या लेना, सिर्फ हमें तो अपना मतलब लेना है, मतलब क्या लेगा रहा हूँ, मतलब जो है खान पीऊ का, अच्छा, कहाँ बैठ कर खाए, तेरी दुकान में जगह भी नहीं है, और भाई जगह है ना अंदर 4 नंबर कमरे में चलेगा। अच्छा बिल्कुल, ला तो क्या क्या मिठाई है मेरी दुकान है भाई। हाँ भाई देखे मेरी बात सुन, सालों पे आई, और भाई देखे लमगांडू निर्भाग और जंगल को
लड्डू हाँ अच्छा लड्डू और मिठाई दे रड़ा मिला के ला दू लिया फटाफट बस अच्छा तो ले भाई ये रड़ा मिला के ला दी तेरे पाइया मिठाई है मेरे दादे का आज जमाने का है दस्तरखान इसमें खा ले अच्छा हाँ लड़के ने मिठाई जी मली वही जी पड़ी थी जरूरत की और सर जी क्या बात है भाई यात्री डालडा घी की मिठाई अटकल से गेटी में कितने अटकल है गेटी में अटकल से मुक्का मार के बाहर मुक्का मारे इतना पानी मंगवा दे मैं पानी मंगवा दे हाँ ए बेटी मनाकोर हाँ बापू ए बेटी मेरी बात सुन सॉरी मनाकोर हाँ बापू एक सुथरा परदेसी आ रहा था मुसाफिर अपने ईमान सबर में जाइए उसने तेरे वाली रोटियां बांध दो फिर पानी पिया के आ जाए उसने शर्म नहीं आती मैं जवान और वो के बेरा कितना बुढ़ा सके जवान समझने के बेरा उसने अकेली पानी पिला का अच्छा ये बेटी देखे सबर ईमान में चली जाता पानी पिया दे उसने शर्म नहीं आती अच्छा मन शर्म आओगे तो ना होगी मैं जाऊँ फिर हाँ तो चली जा अच्छा फिर मैं जाऊँ बेटी सोच कर जाइए हाँ ईमान सबर में होगी अच्छा मैं जाऊँ सुन जा चली जा ओ लदाने खुदा तला गई मना को रुड़े तो डाल के परदेसी ने पानी चावन आगी परदेसी सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम कौन है बागाली तू इंसान इंसान तो हमें भी दिखती है क्या नाम है आपका मनाकोर मनाकोर हा? क्या करने के लिए आई आपका पानी पिलाने के लिए पानी पिलाने के लिए हा? तो ये कौन सा तरीका लोटा रख के एक और नखरे में आकर खड़ी होगी नखरा तो भाई कल दो गाड़ी कराची से लूंगा हमारे घर का है और तरीका कौन सा अख्तियार करूं पानी पिलाओ तो अपने हाथ से पिला टूटी लग रही है बदतमीज टूटी लग गया ना हाथ में और परदेसी पानी पीकर पैसे देकर अपना रास्ता पकड़ रास्ता कैसे कैसे भूल गया मिठाई खाई थी हमको चोर चक्के नहीं मिठाई के पैसे मिल जाएंगे तू अपने हाथ से पानी तो पिला दे बागाली हम तेरे लिए घर बार कुटुम्ब परिवार सब कुछ छोड़ के आ गए इसलिए परदेसी तू कैसी बात करता है ठीक करता हूँ बात हम तेरे हाथ से उम्मीद लेकर आए पानी पीने की मैं पिलाऊं हाँ ओ मैं ठंडा जल का मना कर उल्टी फिर गई और मन अपने हाथ से पानी चादर बल्ले की सिकुंदर की ठंडे दर का लोटा दर का मना कर उल्टी फिर गई और मन अपने हाथ से पानी चादर बल्ले की सिकुंदर की ठंडे दर का लोटा दर का मना कर उल्टी फिर गई अपने हाथ से पानी चादर बल्ले की सिकुंदर की बस घर का किस्सा छोड़ समझ गो भी अकल नौकर थारा गए अकल कर सगन गई तू किसका कौन बिचारा गए और के बुझगी मना कोरी को तेरी अदा का मारा गए ओले मजनू बन के लगा पानी पीले लोटा अंदर की अभी छान देख कर मेरा काल का सर झुक गया किसी मरगी ओ ठंडा दिल का लोटा भर के मना कोर और तेरे गोरे गोरे हाथों कर दो मीर की आशा है तू कितना जबर मुझा में काम था जो भी अज भी तमाशा है मेरा तन मन धन सब कुछ तेरा रूपति नहीं तोड़ खुलासा है ओ मेरा प्यार बोली है मतना इतनी है तेरी शर्म करेगी और मेरी शर्म करी तेरा बड़ा असर मेरी सच्ची बात तबीयत भरेगी ओ अपनी मेरी आबरू में धो मैं गया पक्की धरगी तेरे प्रेम
मामा मेरी आप गुजरगी के बड़कनी फिर गई ओ झंडे पर काला डर के बना को जिंदगी मन अपने हाथ से पानी काटे से दर्द और ले फैसला करिए इस बात का मेरे हाथ से पीवेगा मेरे हाथ से पीऊंगा ले परदेसी कर ओ कथी ले मैं पियूंगी नी तने जावे जी ये तो दिल पे दुआएं निकलेगी ले सुनिए परदेसी कर ओ कथी ले मैं पियूंगी तेरी गोद भरेगी बेटा तेरे दुआ देंगे जब मामी तने कह बलवारी से आज पकड़नी ना चाहिए गणती तने और मेरे बस की बात रही पूर्णा दिए मारे प्रेम के तीर तने मन दी बज पूरी कसी न रखी आते अब भरगी ओ बलवारी ला रो ए सोरे तने सब कर राई उतरेगी ओ सत्य तने का लोटा तने कर बना फोन उल्टी फिर गी अपने हाथ से पानी ताते से दाती से क्यों करेगी क्यों बागाली हाँ पानी पिलाओ तो अपने हाथ से पिला मैं किस तरह पिलाऊं जानने पहचान मैं तेरा मेहमान सन तो वो निवा कर दिया मेहमान जान पहचान तो करने से होती है देखे मेरे बाप का भूत सुबह खराब से तू पैसे देकर अपना रास्ता पकड़ पैसे हाँ, हाँ। हमको चोर उचक्के नहीं पैसे आपके मिल जाएंगे तू अपनी जवानी दीवानी पर बड़ा गर्व और गुमान और गरू करती है मेरी जवानी हाँ तो फिर कर गए बात इसने किसी की मांग के थोड़ी नहीं रखी थी मैंने जवानी तो तेरी है मांग कर तो नहीं ला रखी बाकी पानी तो पिला दे अपने हाथ से पानी नहीं पिलाती मैं तने ऐसे खानदान की ये नहीं भाई अब वो क्या काम करता है शेर सोचता है कि लड़की पानी पिलाने के लिए आई थी इतनी देर कहाँ लगा दी क्या बात करती है अब अपनी लड़की को आवाज देता है गरीब आसान मरता है ले भाई खुदा कर गया थोड़ी देर काफी देर ए बेटी मना कौन हाँ बाबू के पास है बेटी के मुंह कितनी देर की कोर ला दी तुमने मैंने देर नहीं ला गई बाबू हाँ अकबर तने रात ने लड्डू नहीं बनाए थे स्टाल में हाँ बनाए थे वो बिल्कुल न्यू पड़ा था रात ने साफ करके तो रखा नहीं था अच्छा फिर ये उसने बिल्कुल साफ करके न मांझ के न रखा इसे बिल्कुल साफ कर दिया उसने बिल्कुल मांझ के आई से हाँ और वो किससे वो कौन वो परदेसी जो आ रहा था वो दुकान में सो गया होगा हाँ उसने सुहाई ही लोरी देखी आये अब मैं उस परदेसी के दौड़े जासू अरे वो परदेसी हाँ सेठ जी अरे के पास पैसे दे बाहर दौड़े दुकान के पते बाहर जा क्यों सेठ जी इतना गुस्से में हो रहा है के बात से हाँ के बात से तू भाई पैसे दे बाहर जाने की जरूरत है पैसे तो मिल जाएंगे आखिर ये बात तो बताइए लड़की आपकी और तेरे बाप की अल्लाह करे ये जियो कितने पीली सिगरेट बाहर ले पियो सेठ जी तुम तो बड़े कफा हो कितने बाहर ले दफा हो ओहो सेठ जी नाक तो माखी नहीं बैठने देता और भाई तू पैसे दे तो दफा रख लेगा आखिर ये कमारी है या शादी शुदा है अरे भाई साहब बस यहाँ मुझे क्यों कमारी भी सर कुछ बह नहीं है अच्छा कमारी है बिल्कुल कोरपान कमारी तो सेठ जी बोल सुने आपको दोहा कौन सा के बिना लाज की मूछ पूछ चाहे कितने बारह ला अंटे ठीक और जिस घर बेटी और कमारी बरसे खून सवा घंटे अरे भाई साहब मेरी बात तो खाना पीना भी आराम हो गया जिसके घर में इतनी बड़ी लड़की कमारी है भाई साहब मेरी से बात की देखे आठ लग रही है वो क्या लग रही है भाई देखे घर मिल जाए तो घर नहीं मिलता पर मिल जाए तो घर नहीं मिलता ये तो फैसला है होया पड़ा से वो क्यों करे घर तो देखना हो तो चाल घर दिखा दूं हाँ हर बार देखना हो तो हाँ ले 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 तेरा ले तेरा ले ले और ठीक ना कह रहा हूँ तू अपना नाम ऊँच का ऊँच घर तो देखना हो तो चाल घर दिखा दूं हाँ हर बार देखना हमारी सिंगर का है रहा से हाँ अपना नाम ले ले तो मेरे नाम तक इतने भरोसे लड़े थे तो तेरा नाम ना ले तो तू बाहर निकल जाओ उसका और ऐसी क्या बात है ये क्यों नहीं बहाई जाती और भाई साहब इसमें बड़ी कसूती आठ लगी हुई है क्या आठ है क्या शर्त है कोई तेरी हम हमारी शर्त है वो क्या हमारी बाजारी में कुआ है हाँ उसे कोई धनका भरा है तो फिर यह छोरी बह जाना चाहे छोरी चाहे दोनों शादी बाबू तो क्या ब्याह कर देगा इसका अच्छा ये तेरी शर्त है जो तेरी बाजारी में कुआ है उसको कोई धन से भर देगी उसकी शादी ब्याह बिल्कुल मैं मेरी ब्याह करूंगा इसका अब वो क्या काम करता है सेठ कहता है ये मेरी शर्त है जो मेरी बाजारी में कुआ है उसको कोई धन से भर देगी उसकी साथ ब्याह ही जाएगी अब वो जो कुछ 200 400 500 ले रहा था वो भी कुएं में डाल देता है और लकड़ी बेचनी शुरू कर देता है जो कुछ दो आने चार आने आठ आने रुपया दे लावा वो भी कुएं में डाल दे उसी बैराग में लग जाता है ना सोने का ठिकाना ना बैठने का ना लेटने का अब एक रोज सीढ़ी सीढ़ी बाहर चल रही थी और बूंद पड़ रही थी उस कौशलपुर का राजा था कौशल जिसकी लड़की का नाम था कमलावती उसके महल के नीचे बैठ जाता है बिजली के पलाके से उसकी नजर पड़ती है वो क्या चांस गुजारती है हाँ बांदी हाँ कमलावती ये ठंडी ठंडी हवा चल रही है मूली खा ले मूली छोटी छोटी बूंदे पड़ रही है फिर कोई गाना सुनाओ कमलावती तू ही शुरू करते नहीं मैं नहीं शुरू करती तुम सुनाओ ये देखो बूंदे पड़ रही है ये
महल के नीचे कौन बैठा है? ये महल के नीचे कौन बैठा है? इसको पकड़ के ले गया। नजर तो मुझे भी इंसान आता है। इसकी खबर ले गया। हाँ, इसकी खबर ले गया। मैं भी जाती हूँ, जल्दी जाओ। ओ नदान खुदा पैदा की बंदी उड़े ते चाल के जट महल के नीचे आ गई। ओए बदमाश, चल खड़ा हो। बदमाश किसको कहती है बदमाश? तू यहाँ क्या कर रहा था? मैं तो एक बागाली सर्दी की वजह से अपने गात को बचाकर बैठा था। मैंने तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं किया। तुझे पता है ये किसका महल है? किसका महल है? ये कमलावती का महल है। फिर मैंने खड़ंजा फोड़ गया इसका। पूरा मर्द नाम का दक्षिणा नहीं बैठ सकता, शहजादी का महल। आता है कुकुर के कुकुर बैठ जाओ। फिर मैंने क्या नुकसान किया है तुम्हारा? कहाँ ले चलोगी? आपको कमलावती के पास लेकर चलूंगी। जिंदाल रे और पर का मकान कजा जावे थमाल रे रे बोलिए चलोगी? कमलावती के पास। अब वो कमलावती के पास लेकर जाती है, उससे बातचीत करता है, गाड़ी दास्तान बढ़ता है। कमलावती सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, आ गए हैं। आइए थाने के नीचे। हाँ जी बहन, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम भाई। अरे अल्लाह करे भला हो रही भाई, तो लिखड़ी तेरी जुबान से, मैं तो न्यू इंटर रहता बेरा। वाह बड़ा, कितनी गर्मा गर्म होगी। गर्मा गर्म क्यों ना भाई साहब, अंडे खाती है। अंडे तू तो खा ले, मेरे बारे में मुर्गी है मुर्गी। अल्लाह का हुक्म हो यार। क्यों नहीं, मैं किस लिए याद किया? इसलिए याद किया है भाई तू, के केतरा नाम से, केतरा गांव से, कितना ऐसे, कित जा गौर तेरा के काम से।
सारा पता पूछ कर पीटोगी? ना भाई, ये बहुत नेक है, अगर तू सही ईमानदारी से बात बता देगा तो तेरी मदद भी करेगी। ये तो बहुत नेक है। अच्छा हाँ, सही सही ईमानदारी से पता बता, तू कौन है, उरे तेरे के काम से, कितना है, से कित जागा। हरि चित्र कोट एक तेरे कोट एक हेरी छोटा सा गाँव से और आदमी गरीब मेरा रूप से नाम से तेरे कोट एक छोटा सा गाँव से आदमी गरीब मेरा रूप से नाम से अरे ये बताया था एक लाए सुम एक लाए थे तो तुम इतना माड़ा क्यों हो रहा था? और ये थक के पिरकम सुधा आवता सांस भी कोना निर्मल हुआ शरीर देख मैं दो ही भांस भी कोना लहू के मांस भी कोना हो लहू के मांस भी कोना हाथ से के चामस आदमी गरीब दुनिया सारी हो दिया दुनिया सारी और नाम से आम से आदमी गरीब मेरा रूप जन नाम से सुना बहन। हाँ, चित्रकोट शहर के रहने वाला चित्र मोड़ राजा का लड़का रूपसेन मेरा नाम है बहन। मैं वहाँ का राजा का लड़का हूँ और यहाँ तुम्हारे शहर में एक बढ़िया की लड़की, उसके बहन मैं घर से निकल कर आ गया बहन। मेरी तो जिंदगी यहीं बिरान होनी है। वो क्यों नहीं ब्याही जाती, क्या बात है? क्या बताऊँ, उसके पिता की बाजारी में कुआ है, उसने कोई धन से भर देवा उसके साथ ब्याही जा। मेरा घर नहीं, बार नहीं, कुटुम्ब नहीं, परिवार नहीं, इतनी दौलत कहाँ से लाऊं मैं भाई? हाँ, तू मेरा धर्म का भाई, मैं तेरी धर्म की बहन। अच्छा, मेरे पिता ने मेरे से सात खजाने इनाम के दे रखे हैं। हाँ, एक खजाना तू ले जा, कुएं न भर के मना कोर न ब्याह के तेरा घर चला जा। अरे बहन, इतना सलूक कर देगी तो ऐसा तो माँ की जाई भी नहीं कर सकती। ये तो सलूक मैं कर सकती हूँ। अच्छा हाँ, अब उस कमलावती को भी रहम आ जाता है कि राजपूत की लड़की थी, ये भी एक राजपूत का लड़का है, खाम खत बिरान होता फिर रहा है। अब उसको धर्म का भाई बना लेती है, खजाना दे देती है, वो कुएं में डाल जाता है, कुआ भर जाता है। अब सुबह जाकर कुएं पर देखता है तो कुआ खाली का खाली मिलता है, घबराया हुआ फिर कमलावती के पास है। तारी बहन सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। हाँ भाई, वालेकुम सलाम। क्यों घबरा रहा है? तेरे चेहरे को उदासी क्यों? से कुआ तो भर गया होगा। अरे कुआ तो भर गया था, जो आपने खजाना दिया वो कुएं में गिर आया था। अब सुबह जाकर देखा तो कुएं में तो पाई भी नहीं, कुआ तो खाली है। कुआ खाली है? हाँ। तो भाई इस बात का तो मन नहीं। तो तू मनाकोर को बुला के एक बात तो कर सकती है। क्या? अपनी बांदी के हाथ बुला के उसको ये तो पूछ मनाकोर से, कुआ क्यों नहीं भरता? हाँ, ये तो मैं पूछ सकती हूँ। पूछ सकती है तो मनाकोर को बुला। अच्छा, अभी बुलाती हूँ। ए बांदी,
क्या बात है, चलो जाओ, मना कर होगा बुला के ले गया। अच्छा भी जाती हूँ, चलो चलो। मना कर, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, मैं क्यों बुलवाई तुम्हें? कमलावती याद कर रही है, बुलाती है। कमलावती बुलाती है? हाँ। खुदा ते लगी बंदी उड़े ते चल के झट मना को दौड़े आगी। सलामकुम। वालेकुम सलाम। चलो आपको कमलावती बुलाती है। मेरे को? हाँ। किस लिए? चलो चलो जल्दी करो। हाँ मना को। अब मना कोर आ जाती है, कमलावती के साथ बातचीत होती है। वो कमलावती पूछती है कि बहन तू शादी क्यों नहीं करवाती? वो मना कोर के साथ बात होती है, गाड़ी राजस्थान और उत्पर्त है। बहन सलामकुम। वालेकुम सलाम। मैं क्यों बुलवाई, किस लिए बुलवाई, क्या बात है? तू शादी क्यों नहीं कराती? शादी? हाँ। बहन मैं शादी कहाँ कराऊँ? क्यों? मेरे मुकद्दर में शादी नहीं। ऐसी क्या बात है, शादी तो करानी चाहिए तुझे। घर क्या बताऊँ, घर मिल जाए तो पर नहीं मिलता, पर मिल जाए तो घर नहीं मिलता। अच्छा मेरी बात सुन, मैं शादी कैसे कराऊँ? संकी सकी संकी सखी सासने डाली मैं पियर में अतक लगी। संकी सखी साथ गाली माफी घर में अटक रही। मेरी रत्न जवानी बीती जा बाल मरण की तबीयत बदल गई। मेरी रत्न जवानी बीती जा बाल मरण की तबीयत बदल गई। घर चली जाती है। अब वो कमलावती के पास, फिर वो रूपसेन पहुंच।